नमस्कार, मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ, बिहार का ही बेटा हूँ। तो जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, और 15 सालों से जो लगातार सरकार, भाजपा, लोजपा, जदयू की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो ठगते आई है, ये एक्चुअली क्या है, मोदी मदारी है, इनको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। चौकीदार चोर ही नहीं है, डकैत है, ये ठग ही नहीं है, महाठग है, पूरे देश को ठग रहा है, पूरे देश को बेच रहा है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम बिहार नहीं आए? अच्छा, आप बेचने की बात कर रहे हैं। अभी किस तरह से, जैसे कि सरकारी बहुत सारी कंपनियां सरकार की बेचते जा रही है, तो इस पे किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव आने वाला है? भैया एक बात बताइए, आप चार भाई हैं, आपस में अगर लड़ा के तो बाहर वाला फायदा उठाएगा ना? किस तरीके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, और उनका सागिर देश के दलाल मीडिया के भर में पत्रकार लगातार लोगों को नफरत के आग में झुलसाकर, अर्णव गोस्वामी जैसे 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार, और उसके लिए भाजपा के तमाम नेता अपने अपने बिलों से ऐसे बाहर निकले हुए हैं जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया और सांप बिलबिला के फन काट रहा है। देश में तमाम मुद्दाएं हैं, बिहार में बाढ़ आती है, जहां 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में बाढ़ रहती है, जिसके कारण बिहार में लाखों जान माल की क्षति होती है, और आप इस पर कोई बोलता नहीं, क्यों भैया? सर, 15 साल अभी जदयू की सरकार रही, 15 साल राजद की भी सरकार रही, उस समय भी बाढ़ आता था। इस 30 साल का जो ड्यूरेशन रहा, वो बाढ़ से प्रभावित रहा। अभी जो है 5 साल 10 साल से भी बाढ़ नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, इस तरह का माहौल। अभी बाढ़ आ गया, तो अभी अब आगे में अगर राजद की ही सरकार आ जाती है तो इस पे कैसे काम किया जाएगा और क्या होना चाहिए? जब आपने जन्म लिया तो आप कितने बड़े थे, कितने केजी के थे? 5 केजी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भूत का बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात कीजिए और भविष्य की बात कीजिए। आप अगर मान लीजिए कि कल आप 4 साल के बच्चे थे, 3 साल के बच्चे थे, छोटे से थे, तो क्या आप जवान हुए? तो क्या आप काम धंधे नहीं करेंगे? सवाल, वर्तमान में जीना सीखिए और खुश रहिए। सवाल उठता है, जब कोरोना महामारी के नाम पर किस तरीके से बिहारी मजदूरों को अनप्लान्ड लॉकडाउन में धकेला गया, क्या ये खून नहीं खोलेगा? जो खून नहीं खोला वो खून नहीं पानी है। बिहार का बेटा पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लाद कर पैदल बनारस होते हुए आया, किसी भाजपा नेताओं को 1 पैसे का फिक्र नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए दिया गया था भैया? देश जलाने के लिए दिया गया था क्या? पूर्ववर्ती सरकारों ने जो देश में संपत्ति बनाई उसको कौड़ी के दाम में बेचने के लिए दिया था? देश की जनता ने लीडर चुना था, ये डीलर निकले, दलाल निकले। भैया काहे का भैया, आप आइए ना बिहार में। 15 साल से आपका शासन सत्ता है, भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार जो बिल्कुल फेल है। एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है बिहार में। डॉक्टरों की स्थिति देखिए, शिक्षा का स्थिति देखिए, रोजगार के देखिए, क्या है भैया? बिहार पिछड़ेपन के पैदान पर गुजरता जा रहा है। आप बिहार के मजदूरों को पहली बार देखने को मिला है, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने ही मुल्क को लूट रहा है, अपने ही मुल्क में आग लगा रहा है, नफरत के बीज बो रहा है। आप बबूल का पेड़ रोपिएगा तो आम खाइएगा, उसके लिए आम का पेड़ रोपना होगा। आपका कहना है का मतलब है कि ये जो केंद्र में सरकार है वो लूटने का काम कर रही है अभी? आपको नहीं दिख रहा है, ये आजादी से पहले भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। सावरकर कौन था? कौन था सावरकर जिसको 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेज के दलाल दलाली में मिलता था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में भर्ती थे। एक सावरकर था जिसने माफी मांगा, हो गया वीर। जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा, हो गया फक्कर फकीर। अमीर हो गया जो सलवार पहन के भागा। अभी प्रधानमंत्री कहता था मैं गरीब का बेटा हूँ, तो गरीब के बेटा 85,000 करोड़ के पलन में चढ़ेगा? सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और देश दिया फकर फकीर को हाथ में कटोरा थमा दिया, फकीर बना दिया। तो आपका कहना है कि देश को फकीर बनाने का काम अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों रेलवे से हमारा पुराना नाता है, हमसे अच्छा रेलवे को कौन जानता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। आपने देखा, 1 नंबर के पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनके संपर्क में जो जो आया सबका विनाश हो गया। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, अर्णब गोस्वामी आया जेल गया, क्यों गया? एक देखिए, सुशांत सिंह का कोई सुसाइड नोट नहीं था, रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं था, सीबीआई जांच हो सकती है,
भाजपा के लोग ये चड्डी वाले गुंडे सड़कों पर नंगा नाच नाचते हैं, हैं? और जब अनवे नाइक जो इंटीरियर डिजाइनर था उसकी माँ और वो सुसाइड की, तो क्या अक्षता नायक जो उनकी पत्नी थी क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या प्रज्ञा नाइक को जो जिसके बाटे से उनके बाप का साया गया क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कार्रवाई हुई अर्णब गोस्वामी पर, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार पर जो हराम का खाता है। कौन है अर्णब गोस्वामी? कल तक एंकरिंग करता था, 25-30 हजार रुपए महीने का नौकरी करता था। वह आदमी जो खुद नरेंद्र मोदी को क्या बोल, स्मृति ईरानी को क्या बोला था पता है आपको? मिस नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधनाथ ढोंगी मुख्यमंत्री को बंदर कहा था, है? उसके गुणगान में पूरी भाजपा आरएसएस के नेता सड़कों पर नंगा नाच रहे। भैया जब मुंगेर में दुर्गा माँ के श्रद्धालुओं के ऊपर प्रतिमा विसर्जन में गोलीबारी की गई, जो आपके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह बाप के सत्ता के नशे में इतना ये थी कि गोली मार देगी वो भी सर में, है? काहे का हिंदुत्व, काहे का मुसलमान? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। आप आते शिक्षा की बात करते, आप बताइए 15 साल में 15 स्कूल कॉलेज बना है क्या बिहार में? नहीं। देश में तो नहीं बना है। 15 अस्पताल बनाया है, 15,000 नौकरी दिया है, तो काहे का वोट मांगिएगा भैया? झक मराने के लिए शर्म नहीं आता है? इसका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोलता है भाजपा चुनाव हार गई तो आतंकी घुस जाएंगे। अरे तो आपका नॉर्थ ब्लॉक में बैठ कर मुजरा गा रहे हो, तथैया गा रहे हो, कितना बेशर्म है सब भाजपा का नेता। बेशर्मों की पूरी टोली है, पूरे मदारियों की टोली है। कोई भालू का नाच दिखाता है, कोई बिच्छू का नाच दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है, कोई कबूतर का दिखाता है, कोई मोर में खेलता है। ये उम्र है नरेंद्र मोदी का मोर से खेलने का, तोता से खेलने का? अरे ये उम्र है पोता पोती से खेलने का? मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के ही बच्चे। भरोसा है तो भाजपा है, अरे भाजपा है तो भरोसा खत्म है। एनडीए के उम्मीदवारों को हराएं किसी भी सूरत में। बिहार का आदमी सवाल पूछता है कि अनप्लान्ड लॉकडाउन में जब तक मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनाई गई, लोगों को कोरोना के आग में क्यों झोंका? क्यों दिल्ली के चुनाव में तुम व्यस्त थे? तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था, कह रहे थे साइन बाग में ऐसा बटन दबाना कि करंट साइन बाग में लगे। अरे बिहार की जनता ऐसी करंट लगाएगी कि तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, पूरे देश से भागना पड़ेगा। तेजस्वी, देखिए जो बिहार में परिवर्तन का लहर है, जो तेजस्वी यादव जी का लहर है, ये भाजपा के जो गठबंधन के लोग हैं इस पर कहर बन के टूट रहा है। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये फक्कर फकीर झोला उठा के फरार भी होगा। चलिए बहुत अच्छी बात कही। आखिरी में आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के अवाम, बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो जागरूक हो आगे के लिए? बिहार की जनता खुद ही जागरूक है। ये देवताओं की भूमि है, ये आर्यभट जैसे गणितज्ञों की भूमि है, ये सम्राट अशोक की भूमि है, ये महर्षि वाल्मीकि विश्वामित्र की भूमि है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ विश्व का पहला गणराज्य है, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो जगह बेवकूफ होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना देंगे, अरे भिखारी तू क्या देगा? तू तो खुद ही भरी जवानी में 40 साल भीख मांगा, कहते 18-18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो आज हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, पत्थरों को घस कर आग पैदा कर रहे होते। देखिए बिहार की जनता ने 15 साल सत्ता में बिठाया, 39 सांसद दिए, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। बिहार की जनता ने देखा यह 15 साल का हिसाब जो कर्जा है उसको सूद समेत वापस लेने का समय है। सर अभी नीतीश कुमार ने अपने सभा में कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार जी कहाँ से बोलते हैं? सब आदमी मुंह से बोलता है, कहाँ से बोलते हैं? पछौरे से बोलते हैं। उनके बाद क्या, पलटू कुमार, ये शराब माफियाओं की सरकार, घोटालाबाजों की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे बड़का झूठा पार्टी के लोग, जनता उत्पीड़न दल वाले को, तो आपने दोनों में देखा था, ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं, जब से उनके संपर्क में आए हैं मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं। नीतीश कुमार को नहीं दिखता है, कहता है बिहार समुद्र के किनारे नहीं है तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगा। तो पंजाब कौन सा समुद्र किनारे है भैया? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आप ऐसे राज्य को देखिए, वहाँ कौन सा समुद्र है? ये देखिए मनगढ़ंत बातें छोड़िए, काम की बात कीजिए। नित नए जुमलों को फेंकते हैं, एक झूठ फेंका ऐसे फेंका जब तक आदमी सर खुजाया, फिर दूसरा झूठ, फिर सर खुजाइएगा जब तक उसके खोज बीन में जाइएगा, सच्चाई जानिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लगातार झूठ बोलता है।
ये पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा जुट्ठा का सरदार, जुट्ठों की टोली, एक नंबर का जुट्ठा मकार है। आज तक 15 साल में क्या किया? कहते थे मर जाऊंगा मिट्टी, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मिट्टी में दहन हो जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो काहे के लिए गए भैया? आपका डीएनए मैच कर गया। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है कि आप एक बाप के बेटा है कि नहीं, अपने पिताजी के बेटे हैं कि नहीं, ये मैच होगा। इतना बुरा गाली नरेंद्र मोदी गुजरात का ये रंगा बिल्ला दे दिया, और ये सालिया बिहारियों का डीएनए शुद्ध है। बिहारी दुश्मनी भी करता है तो ईमानदारी से करता है, और दोस्ती भी करता है तो ईमानदारी से करता है। ये बिहार की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे, ये राष्ट्रीय पांडवों की टोली नहीं लड़ रही है। मोदी तेरे शासन में आग लग गई राशन में। पहले की महंगाई भाजपा वालों को डाइन खा रही थी, अब की महंगाई का इनकी भौजाई है। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश, जो बांग्लादेश इंदिरा गांधी जी ने दो टुकड़े करके बनाए थे। वहाँ का जीडीपी देखिए, हमारे यहाँ का जीडीपी देखिए। तो इनके जुमलों का जो बछौर ये करते हैं, लोग समझ लिया है। इसलिए इस पर बात पर मत जाइए, निश्चित तौर पर हार होगी। जैसे हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बापरे बाप, अब बिहार बंगाल में इनका होगा मुंडन साफ। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री है, कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इस पे क्या कहिएगा सर? तो आत्मनिर्भर बनेगा ना भैया, जसोदा बहन जी से शादी करके छोड़ दिए, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा, देश के मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया। लोग सोच रहा था कि मोदी जी इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं सच बोले। लोग सोच रहा था कि कार हवा में उड़ेगी, क्या पता था बैलगाड़ी से बैल छिन जाएंगे, लोग खुद आदमी बैल बन के चलेगा। ये आत्मनिर्भर हुआ कि लोग कैसे देखे, 13 साल की दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर घर तक आई, लोग पैदल अपने घरों में आए, पैदल चलने नहीं दिया गया। इन्हीं का उत्तर प्रदेश में सरकार था, मजदूरों को मारा गया, पीटा गया, रोका गया। नीतीश कुमार जी कहते हैं घर में बिहार नहीं आने देंगे, आपके बाप की पपौती है, आपके बाप की जागीर है, हैं? घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर, धरने को दिया बंदूक होता है हवलदार। अरे जनता ने आपको वोट दिया ना भैया, आत्मनिर्भर का मतलब मोदी जी का पूरा देश जानता है। इसलिए मोदी जी का आत्मनिर्भरता नहीं चाहिए, मोदी जी का विकास नहीं चाहिए, मोदी जी के अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिनों की बात करके बुरे दिन में ढकेल दिया लोग। आप देखिए ना, हंगर रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 देशों की श्रृंखला में हमारा 94वां स्थान है। हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। ये विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, बेरोजगार गुरु बना दिए। $5 trillion की बात कर रहे थे, -24 में पहुंचा दिए। तो अब देश को नरेंद्र मोदी एंड टीम, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टीम है, जो काले अंग्रेजों की टीम है, हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को सात समुद्र भगाया था। अब इन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को, काले अंग्रेजों को, हम बिहार की जनता सात समुंदर पार भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।